हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको दे रहे हैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी, हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम 27 अप्रैल को। देख लो जल्दी से प्रूफ के साथ, देखिए यहाँ जो मैं ये डेट दे रहा हूँ बिल्कुल प्रूफ के साथ दे रहा हूँ, इसमें आप पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं। और साथ में इसका परिणाम कैसे देखेंगे इसका वीडियो भी मैं जो इस वीडियो के बाद शाम तक जारी कर दूंगा। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो ये रेड रंग का बटन है इसे दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे इसको आप दबाएंगे तो इस तरह की एक बेल आइकन आएगा, इसे भी दबा दीजिए। इससे क्या होगा, जो नई वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगी। वीडियो के अंत में अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए अभी अभी बिल्कुल हमें सूचना मिली है कि कार्यालय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज, आप देखिए यहाँ से ये बिल्कुल सीधी वहीं की न्यूज़ है और 25/4 और ये अभी बिल्कुल ताज़ी न्यूज़ है। तो यहाँ पर देखिए कार्यालय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, ये पत्रांक भी इसका है, माध्यमिक शिक्षा परिषद मुख्यालय गोपनीय 1/07 और दिनांक है 25/4/2019। देखिए क्या सर्व संबंधित को सूचित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद, ये आप पूरा डिटेल से पढ़ लीजिए। देखिए सर्वसम्मत को सूचित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित वर्ष 2019 की हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम दिनांक, देखिए नोट करने वाली है, 27/4/2019 को अपराह्न 12:30 बजे माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के मुख्यालय में घोषित किया जाएगा। और इसमें जो सचिव हैं नीना श्रीवास्तव जो सचिव हैं उन्होंने ये घोषित की है। और इसमें जो ये जो प्रेस वाले भी इससे यहाँ पे इसको ये कला के अखबार में भी ये न्यूज़ आ जाएगी। तो सभी के बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरी इस पर से प्रार्थना है कि आप सभी इस परीक्षा में सफल हों। आपको अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगली वीडियो तक के लिए SP मैच चैनल बने रहिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।